किसानों को साग सब्जियों के सही दाम नहीं मिल रहे हैं। हरियाणा में खासतौर पर टमाटर के दाम में भारी गिरावट आई है। इसमें हरियाणा सरकार की भावांतर भरपाई योजना भी किसानों की खास मदद नहीं कर पा रही है। इसके तहत 6 रुपए किलो से नीचे टमाटर बिकने पर किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। अभी टमाटर की लागत 10 रुपए किलो है। ऐसे में अगर किसान ने 3 रुपए किलो में टमाटर बेचा तो सरकार 6 रुपए किलो के हिसाब से भरपाई करेगी। इसके बावजूद किसानों को 1 रुपए किलो के हिसाब से घाटा उठाना पड़ेगा। बीते दिनों भिवानी के तोशाम क्षेत्र के किसानों ने टमाटर की खेती में नुकसान की भरपाई के लिए बेमियादी आंदोलन तक करने को मजबूर हुए थे। और टमाटर पर राज्य सरकार ने जो भावांतर है उसको 6 रुपए मुकर्रर किया है। और ज्यादा बातचीत करते हैं, हमारे साथ टमाटर के किसान हैं हरियाणा से, तोशाम इलाके से, और ये हैं रमेश पंघाल, जिन्होंने पिछले दिनों अपनी टमाटर की बड़ी फसल खुद ही रौंद दी थी, फेंक दी थी मजबूर होकर। उनसे समझते हैं कि आखिर जो भावांतर की जो ये रकम तय हुई है, अभी भी ये किसानों के लिए घाटे का सौदा है या वो खुश हैं। जी रमेश जी, बताएं, जो सरकार ने 6 रुपए भावांतर की रकम मुकर्रर की है, उससे किसानों को फायदा या नुकसान, या वो संतुष्ट हैं या अभी भी नाखुश हैं? ये ऐसा है बहन जी, किसान के साथ क्या हुआ है? किसान वो कहते हैं हमारी हरियाणवी भाषा में कि बाज से चोर की लंगोटी भी मिल जाए तो बहुत है। वो बना हुआ है कि कुछ ना मिलने की बजाय कुछ थोड़ा मिल रहा है, उसी से संतुष्ट हो रहा है। किसान को कम से कम 7 या 8 रुपए कम से कम लागत आती है पकाकर तैयार करने में। लेकिन वहां पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पर कई गांव की पंचायतें बैठी हुई थी, कई संगठनों के प्रतिनिधि बैठे हुए थे, हमारे कृषि मंत्री के आश्वासन पे उन लोगों ने धरना उठवा लिया कि भाई अब कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जो भी पीड़ित किसान है लॉकडाउन की वजह से, हम उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर देंगे। तो एक दिन के बाद ही 1 रुपया प्रति किलो पर, 5 था तो 6 रुपए प्रति किलो रख दिया, और 1.42 रुपया प्रति किलोमीटर प्रति टन के हिसाब से कुछ किराए का प्रावधान रखा। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, सरकार को ये नीतियां बिल्कुल सुधारनी पड़ेंगी। सरकार क्या कर रही है, सरकार जो परंपरागत ढांचा है उसी को ध्वस्त कर रही है, न कि कोई नई योजना बना करके समाधान करके। अब वैसा ही धान वाले किसानों का हाल है। ये बताइए कि भावांतर में आपने बताया कि पहले 4 रुपए था, फिर 5 रुपए किया और अब 6 रुपए, तो ये बार बार सरकार बदलाव क्यों कर रही है, क्या लगता है आपको? बार बार सरकार, ये सबसे बड़ी बात तो ये है बहन जी कि ये भावांतर भरपाई योजना ना तो किसान के समझ में आ रही, अब थोड़ी समझ में आने लगी है, और ना ही विपक्ष के समझ में आ रही है। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेट हमारे लोग बैठे हैं, उनको अंदाजा होना चाहिए धरातल पे कितना खर्चा लग रहा है किसान का। सबसे बड़ी दिक्कत है, जितनी भी योजनाएं बन रही है उनमें किसान की भागीदारी नहीं है। अगर वो किसान से पूछकर भाई तुम्हारा खर्चा क्या लगता है, कल्टीवेशन की कॉस्ट कितनी आती है, लीज पर लेते हो कितने में लेते हो, हार्वेस्टिंग की कितनी कॉस्ट आती है, और खाद दवाइयां स्प्रे और भी ट्रांसपोर्ट किराया तुड़ाई फुड़ाई कितना खर्चा आता है, तो अगर वो पूछे तो योजनाएं अच्छे ढंग से बने। लेकिन किसान की भागीदारी नहीं है इनमें। इसमें जैसे आपने ये सारे चीजों के नाम लिए, तुड़ाई और कल्टीवेशन कॉस्ट और सारी, इसमें आप पूरा एक आकलन बताएं कि किस तरह, समझाएं दर्शकों को कि कितना लागत लगती है और ऊपर से क्या क्या खर्चे लगते हैं, और सरकार की ये भावांतर जो दे रही है 6 रुपए का, तो अभी भी कितने रुपए का गैप है? मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम जमीन लीज पर लेते हैं। अब मैंने मात्र घर की 3 एकड़ जमीन है, बाकी सारी की सारी 50-55 एकड़ जमीन लीज पे ले रखी है, जिसकी औसत पूरे हरियाणा में कम से कम 20,000 रुपए प्रति एकड़ है। तो 1 एकड़ का खर्चा अगर हम कैलकुलेट करेंगे, 20,000 रुपए लीज जमीन का किराया, प्लस 5,000 रुपए उसकी कल्टीवेशन ट्रांसप्लांट करने से पहले का खर्चा, ये हुआ 25,000। जैसे उसमें डिस पलाऊ है, रोसे बांध होते हैं, खाद जोती जाती है, फिर हम 1 एकड़ का बीज लेके आते हैं कम से कम 3,500-4,000 रुपए का, फिर 1 महीने तक उसकी पनीरी तैयार करते हैं तो 2,000 रुपए खर्चा उस पर आता है प्रति एकड़ का, फिर हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं 2,000 रुपए की लेबर लगती है हमारी, फिर हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं कम से कम 2,000 रुपए में, 5 बंदे 1 एकड़ में करते हैं तो 5 बार 6 महीने
महीने में हार्वेस्टिंग होती है, लगभग 10,000 रुपए खर्चा आया उसका। फिर उसके ऊपर ऊपर से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है या फसल के ऊपर से खाद डलने जो डलने वाली खाद होती है, लगभग 8-10 हजार रुपए उनका खर्चा आता है। फिर वो जो स्प्रे होते हैं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फंगिसाइड के, उसकी लेबर लगती है तो 3,000 रुपए खर्चा आता है। अगर हम 5 एकड़ के ऊपर एक रखवाला रखे रात को नील गाय से या उसमें इरीगेशन के लिए 5 एकड़ पर एक बंदा रखे तो 15,000 रुपए पर एकड़ का लगभग वो लगता है। तो बहन जी इस तरह से करके बिल्कुल ईमानदारी से 85 या 90 हजार रुपए में एक एकड़ टमाटर की फसल सिर्फ पक के तैयार होती है। और इसके बाद क्या होता है, जो टमाटर की तुड़ाई होती है वो 30 रुपया प्रति 25 किलो यानी कि 1 रुपया 10 पैसे उसका तुड़ाई का खर्चा हुआ। फिर 11 रुपये उसकी ग्रेडिंग और लोडिंग, तो लगभग ये मान के चलो आप 40 पैसे उसका खर्चा आया। अगर हम उस टमाटर को जालंधर चंडीगढ़ कहीं मंडी में लेकर के जाते हैं तो लगभग 1.5 रुपया उसका खर्चा आया। फिर मंडी का खर्चा आया, उसके बाद भी 4 से 5 रुपए का खर्चा तो फसल पकने के बाद मंडी तक पहुंचाने का आ जाता है किसान का। अभी रख रहे 6 रुपए किलो सारा, मैडम कम से कम 8 या 9 रुपए लागत आती है प्रति एकड़। 9 रुपए 8 रुपए में टमाटर पक करके मतलब लगा जुताई करने से लेकर मंडी तक पहुंचाने का खर्चा आता है। तो आपको लगता है कि जिस तरह का दबाव बना पिछले दिनों उसकी वजह से ये भाव जो है 6 रुपए तक आए, और अगर आप लोग और दबाव बनाएंगे जैसे कि हमने धान के मामले में देखा कुछ और दबाव बनाने से किसान एकजुट होकर आएंगे अपनी मांगों को सामने रखेंगे तो सरकार विवश होगी आपकी बातें सुनने के लिए? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बहन जी, देखो सबसे पहला सबसे फ्रे अगर किसी को जाता है तो जो कवरेज आप जैसे भाइयों ने पत्रकार बंद हुआ ने उठाया एक किसान का मुद्दा, सरकार के ऊपर दबाव बना। अब धीरे धीरे इसी तरह से किसान लड़ाई लड़ेगा अपने एक एक विषय के ऊपर। अब जितने बड़े किसान यूनियन या संगठन आते हैं वो इंटरनेशनल लेवल की बातें करने लग जाते हैं, उनसे कोई कुछ नहीं होने वाला। अब किसान अपने अपने स्थानीय एरिया में संगठित होकर के आवाज उठाएगा तो बहुत कुछ संभव है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद धन्यवाद।